मुरादाबाद के थाना भगतपुर इलाके के रहने वाले एक व्यक्ति ने आईजी मुरादाबाद के सामने पेश होकर अपनी बेटी की संदिग्ध मौत के लिए उसके ससुराल पक्ष के लोगों पर आरोप लगाते हुए एक शिकायती पत्र सौंपा है। दरअसल भगतपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले महावीर ने आज आईजी मुरादाबाद को एक शिकायती पत्र सौंपते हुए अपनी बेटी गुड़िया के ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। महावीर का आरोप है कि उसका दामाद दिग्विजय शादी के समय से ही अतिरिक्त दहेज की मांग करता आ रहा था, जबकि उन्होंने अपनी हैसियत के अनुसार 1.5 साल पहले शादी की थी, लेकिन फिर भी वो लोग 5 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। और 26 जुलाई को ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे सूचना दी कि गुड़िया की तबीयत खराब है, तुम लोग आ जाओ। जब वहां जाकर देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी, जिसे पागवाड़ा के एक अस्पताल में भर्ती होना बताया गया था। अब वह चाहता है कि दहेज के लालचियों को उनके गुनाह की सजा मिलनी चाहिए, इसलिए आज वो आईजी साहब के पास अपनी शिकायत लेकर पहुँचा है। लड़की की शादी करी थी, एक साल 4 महीने मेरी लड़की की शादी हो गई। ठीक। लड़की जो है गर्भवती थी, इन्होंने मुझे किसी बात का भी तकलीफ का किसी बात का पता नहीं दिया। फिर उसके बाद में इन्होंने मुझे शाम सुबह को फोन करा कि लड़की की तबीयत खराब है, तुम आ जाओ। हम सब परिवार जना तो उस लड़की के साथ गांव के और 2-4 जने हमारे साथ आ गए। यहाँ पे आके देखा तो लड़की खत्म हो गई थी। कहाँ पर आए थे आप लोग? रामठ में। ये कहाँ पड़ता है? जिला अमरोहा। पागवाड़े का क्या मैटर है इसमें? पागवाड़े का मैटर है साहब, ये पागवाड़े को लाए दिखे लड़की को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास। अच्छा। उनके साथ इन्होंने हाथापाई कर ली अपना बचाव करने के लिए। उसके चक्कर में क्या नाम है, उन्होंने डॉक्टर को बंद करा दिया और हमें लड़की का पता भी नहीं दिया। लाश भी पोस्टमार्टम पे लाके डाल दी। अच्छा। और जब हम पहुंचे वहां पे इनके घर पे तो ले जाने की तैयारी और हमें बंधक बनाकर तो हमारे साथ कोरे कागज पर साइन करा लिए। जब तक लड़की का क्रियाक्रम नहीं करी आए जब तक हमें बंधक बनाए रखा, छोड़ा भी किसने नहीं। किसने? लड़की के ससुराल वालों ने। इसकी शिकायत कहाँ पे की आपने? शिकायत हमने इन्होंने हमें डरा दिया। हमारे पास हमारे ऊपर कोई बड़ा बुरा हमारे माँ बाप माँ है बाप भी नहीं है। हम दोनों भैया का करते। आज किससे मिलने आए हो? आज तो हम यहाँ शिकायत करने आए थे आईटी ऑफिस आईजी के पास। कितना टाइम हो गया था शादी को? 1 साल 5 महीने। क्या चाहते हो आप? हम तो साहब इंसाफ चाहते हैं बस, इन्हें ससुराली वाले को सजा मिल लीजिए। तो इस संबंध में आपने यह नजदीकी थाने में कंप्लेंट नहीं करी इनके खिलाफ? इन्होंने धमका दिया हम दोनों भैया के अलावा हमारे घर में कोई नहीं है। हम तो डर गए थे।